एक जादुई जंगल में एक मौका नाम की अप्सरा रह रही होती है। मौका इस जंगल की अच्छे से देखभाल करती है और इस जंगल के जानवरों की भी रक्षा करती है। इसी जंगल में मौका की तीनों बहनें भी रहती हैं। एक दिन इस जंगल के गार्डियन सभी को अपने पास बुलाती हैं, क्योंकि ये बहुत बूढ़े हो गए होती हैं। इसीलिए ये इस जंगल का नया गार्डियन चुनना चाहती हैं। इसी जंगल के बगल के गाँव में एक लुकस नाम का लड़का रहता है, लेकिन इसके अंकल की तबीयत बहुत खराब रहती है। इसीलिए लुकस अपने अंकल को ठीक करने के लिए एक अमीर औरत के पास काम करने जाता है, जहां वो औरत इसे एक जादुई पत्ता ढूंढने के लिए उसी जंगल में भेज देती है। लुकस उस जंगल में जाकर वो जादुई पत्ता ढूंढने लगता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये वहां पत्थर पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगता है। इसका ये संगीत मौका को बहुत पसंद आता है, लेकिन तभी लुकस मौका को देखकर तेजी से भागता है और ये पेड़ से टकराकर वहीं होने के बाद मौका इसे अपने साथ जंगल के अंदर ले जाती है, जहां लुकस मौका को देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन मौका इसे कहती है कि इस जंगल में इंसानों का आना मना है। फिर लुकस इसे अपने बीमार अंकल के बारे में बताता है। इसके बाद मौका लुकस को वहां का सारा जंगल घुमाने लगती है, लेकिन तभी वहां इस जंगल के गार्डियन आ जाते हैं। तो वहां का छोटा जानवर लुकस को घास का पोशाक पहना देता है। फिर गार्डियन सभी को एक जादुई पेड़ के पास ले जाती है, जहां प्रकृति की सभी आत्माएं मिलकर मौका को इस जंगल का नया गार्डियन चुनती हैं और इसे सारी शक्तियां देती हैं। मौका के गार्डियन बनने से उसकी बहनें उससे गुस्सा होती हैं। वहीं लुकस इन्हें समझाने लगता है। तभी मौका की बहन लुकस का पोशाक हटा देती है, लेकिन मौका वहां धुआं कर देती है, जिससे लुकस वहां से भागने लगता है। फिर रास्ते में मौका इसे रोककर वो जादुई पत्ता देती है और इसे लुकस अपने घर ले जाकर उसे पानी में घोलकर अपने बीमार अंकल को पिला देता है, जिससे इसके अंकल तुरंत जवान हो जाते हैं। दूसरी ओर वो अमीर औरत अपने आदमी को लुकस के घर भेजती है, क्योंकि ये उस जादुई पत्ते से हमेशा जवान रह सकती है। इसका आदमी लुकस के घर जाकर वो जादुई पत्ता चुरा कर उसे अपने मालकिन के पास ले आता है। वहीं लुकस का बांसुरी जंगल में गिर गया होता है, तो मौका उसे लेकर लुकस के घर जाती है और उसे उसकी बांसुरी दे देती है। फिर लुकस मौका को अपने साथ लेकर इसे अपना गांव दिखाने लगता है। वहां सब खुशी से नाच रहे होते हैं। तभी लुकस वहां अपनी बांसुरी बजाने लगता है। इसके बांसुरी की धुन सुनकर मौका अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वहां के सभी लोग मौका को डायन समझकर इस पर हमला करने लगती हैं। लेकिन तभी वहां जंगल के पुराने गार्डियन आकर मौका को यहां से बचा ले जाती हैं। लेकिन वो बुरी औरत लुकस को बंदी बनाकर उससे उस जादुई पेड़ का रास्ता पता कर लेती है। फिर ये अपने साथ सभी इंसानों को लेके मौका के जंगल को तबाह करने जाती है। तभी मौका वहां आकर इसे समझाने लगती है, लेकिन ये औरत नहीं मानती है। फिर वहां जंगल के बाकी जीव आकर इंसानों से लड़ने लगती हैं, जिससे पूरा जंगल तबाह होने लगता है। तो मौका इन सबको रोकने के लिए प्रकृति की सबसे बड़ी आत्मा को अपने पास बुलाती है और उनसे एक छोटा सा चिंगारी लेकर अपने आप को जला लेती है, जिससे एक भयानक शैतान में बदल जाती है। इसके आग से वहां के सभी जीव जलने लगती हैं। इसके बाद मौका सबको जलाते हुए लुकस के गांव चली जाती है। तभी वहां लुकस आकर इसे रोकने लगता है, लेकिन मौका इसे नहीं पहचानती है। तो लुकस वहां अपनी बांसुरी बजाने लगता है, जिससे मौका ठीक होकर अपने असली रूप में आ जाती है और वहां सभी बच